homes. हमें महान तपस्वी बनना ही है, हमारा लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता बनना। ये हमारी बहुत सुंदर डिग्री है। आज हम अपने सम्मुख चारों ओर अपने फरिश्ते स्वरूप को देखेंगे। बिल्कुल दूर देखें आप और एक विजन बनाएं कि मेरा फरिश्ता स्वरूप खड़ा है, संपूर्ण फरिश्ता निरंतर योग युक्त है, वो डबल लाइट है, उसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, प्रकाश की किरणें, बहुत डिवाइन स्वरूप, बहुत डिवाइन। तो संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए हमें संपूर्ण पवित्र बनना है और सर्व गुणों से स्वयं को संपन्न बनाना है। उन गुणों में भी हम ध्यान देंगे, संतुष्टता, निरहंकारिता, अंतर्मुखता, सरलता, सहनशीलता और सबके लिए शुभ भावना पवित्रता मूल है। इन सभी गुणों पर हम विशेष रूप से फोकस करें। फरिश्ता संपूर्ण संतुष्ट होता है, उसमें कहीं भी अहंकार का नामो निशान नहीं होता। फरिश्ता माना बहुत सरल चित्त लेकिन बहुत पावरफुल। तो हम इन गुणों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दें और स्वयं को बहुत ही हल्का भी रखें, लेकिन हल्केपन के साथ साथ पवित्रता जो फरिश्ते की पहली क्वालिटी है, इस पर विशेष ध्यान दें और आज अभ्यास करें, ध्यान दें कि मैं इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ, मैं इस संसार में अवतरित फरिश्ता हूँ, मैंने यहाँ अवतार ही लिया है सबको पवित्र करने के लिए, सबको मैसेज देने के लिए, पवित्र वाइब्रेशन फैलाने के लिए, क्योंकि कलयुग के अंत में वातावरण में भी अपवित्रता के घोर वाइब्रेशन चारों ओर व्याप्त हो गए हैं, मुझे उन्हें समाप्त करना है। तो हम चारों ओर पवित्र वाइब्रेशन फैलाएंगे आज, और जिसे भी देखेंगे आत्मिक दृष्टि से देखकर उसे पवित्र वाइब्रेशन ही देंगे। जब हमें किसी महान लक्ष्य की ओर चलना होता है तो स्वयं को बहुत पावरफुल बनाना होता है। सक्सेस हमारे कदम कदम पर आती रहे और बाबा से बहुत फेथफुल रहना है, ताकि उसकी सकाश समय मिलती रहे, उसकी मदद मिलती रहे। जो बाबा से फेथफुल हैं, वो बाबा की नजरों में हैं और बाबा उन्हें सदा मदद करते रहते हैं। हम अपनी पावरफुल स्थिति के द्वारा व्यर्थ को पूरी तरह समाप्त करते चलें। इसको ही विकराल रूप कहते हैं कि विकारों पर विकराल रूप, विकारों पर कड़ी दृष्टि, कटु दृष्टि कि तुमसे मेरा कोई नाता नहीं, तुम अब मुझे देख भी नहीं सकते, दूर भाग जाओ मुझसे, मैंने तुमसे सदा के लिए अब किनारा कर लिया है। ठीक है, मेरी तुमसे मित्रता रही थी, पर अब मेरी मित्रता भगवान से है, तुम मेरी ओर देख भी नहीं सकते, ऐसी कटु दृष्टि रखते हुए इन विकारों को भी नष्ट करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये बहुत अच्छी तरह आज प्रैक्टिस करेंगे। मैं बहुत शक्तिशाली फरिश्ता हूँ, ढीला ढाला फरिश्ता नहीं, बहुत शक्तिशाली, बाप समान शक्तिशाली फरिश्ता, जिसके वाइब्रेशंस सबका कल्याण करते हैं। तो आज इस विशेष लगन से हम सारा दिन स्वयं को चलता फिरता लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता देखेंगे। पानी पिए तो कम से कम दो बार याद करें, मैं फरिश्ता हूँ। भोजन करें 10 बार याद कर लें पूरे समय, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। क्लास में बैठें, मैं फरिश्ता मुरली सुन रहा हूँ, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। किसी से मिले एक बार अवश्य याद आ जाए, मैं तो पावरफुल फरिश्ता हूँ। तो सारा दिन अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थिर रहकर
बाबा से पवित्र वाइब्रेशंस प्राप्त करते रहेंगे और चारों ओर फैलाते रहेंगे। इससे हमारी स्थिति भी महान हो जाएगी और हम संसार को पवित्र वाइब्रेशंस भी देंगे। ओम।